Welcome to the channel. This is Aastha. I hope you all are doing great. And guys, today's video is again very important because we're going to discuss about a very crucial topic, how you need to search your job. Okay, I'm going to share really possible ways, best tips and tricks to search better job opportunity for all of you. ये video सभी के लिए applicable होने वाला है, बहुत important है. अगर आप fresher हैं, अच्छी opportunity search कर रहे हैं, कैसे आपको करनी है वो डिस्कस करूंगी. अगर आप अपने करियर में गैप ले चुके हैं, ओके, एंड यू वांट टू रीस्टार्ट योर करियर. करियर गैप लेने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर प्रीवियस जॉब, वहां पे वो करियर गैप लेते हैं. या फिर वुमन कैंडिडेट्स जो करियर गैप लेती हैं, गाइज हमारी कंट्री में ये बहुत सी वुमन कैंडिडेट्स हैं जिन्हें करियर गैप लेना पड़ता है बिकॉज दे वॉन्ट टू स्टार्ट देयर फैमिली, दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर किड्स, और दे हैव अ रिलोकेशन. बहुत सारे रीजंस होते हैं गाइज. एंड अगर आप करियर गैप ले चुके हैं एंड अगेन यू वांट टू स्टार्ट योर करियर, तो कैसे आपको करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. अलोंग विद दैट, अगर स्टिल आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 का जॉब करना एंड वो भी कम पैकेज पर, कितना हैक्टिक सिचुएशन होता है. आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट थिंग गाइज, कैसे हम उस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं. एंड अगर हम अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, रिकमेंड यही किया जाता है कि जब तक आपको नया जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाता है, आप अपने जॉब में बने रहिए. बट वो कितना डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट थिंग. टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, उस अच्छी अपॉर्चुनिटी सर्च करनी होगी, राइट? तो आज बेस्ड ऑन माई एचआर एक्सपीरियंस, आई एम गोइंग टू शेयर रियली बेस्ट टिप्स विद ऑल ऑफ यू, जिन्हें फॉलो करके आप अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं, आपकी ड्रीम जॉब आप सर्च कर सकते हैं. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. है हम बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए, दोज आर looking to restart their career. Like, सबसे पहली चीज जो आपको सोचनी होगी, जिसपे आपको ध्यान देना है, what is your current trend in the domain? Okay, आप जिस domain से हैं, आप जिस profile पे work कर चुके हैं, जिस profile का आपको experience है, उस domain में अभी current trend क्या चल रहा है? That is very important because being an recruiter, I can tell you this thing guys, कि आपका जो resume shortlist नहीं होता है. Most of the candidates telling me कि हमारा resume shortlist नहीं होता है because of career gap. नो गाइज, दिस इज नॉट द रियलिटी. आपका करियर गैप के कारण शॉर्टलिस्ट नहीं हो, ये सिचुएशन नहीं होती है. सिचुएशन इज कि आपकी स्किल्स अपडेटेड है या नहीं है, आपके डोमेन में करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, आप उससे अप टू डेट हैं या नहीं है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? तो आपको वो एक चीज नोटिस करनी होगी कि आप जिस डोमेन से हैं उसमें क्या करंट ट्रेंड चल रहा है. यू नीड टू ब्रश अप योर स्किल्स. स्किल्स अच्छी है गाइज, आप अपने स्किल्स में काफी अच्छे हैं, तो नो डाउट आपका सीवी शॉर्टलिस्ट जरूर होता है, right? जिस पॉइंट पर आपने अपनी जॉब को स्विच किया था, जिस टाइम पर आपने करियर गैप लिया था, उसके बाद से अभी तक आपके डोमेन में क्या क्या करंट ट्रेंड्स आ चुके हैं एंड कैसा अभी स्किल सेट चल रहा है, किन स्किल्स पर, किन टेक्नोलॉजीज पर वर्क चल रहा है, वो आपको देखना होगा एंड इस पर आपको वर्क करना होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज, बेस्ट वेज यू कैन स्टार्ट योर जॉब सर्च. ये सभी के लिए एप्लीकेबल होने वाला है. अगर आप फ्रेशर हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, या फिर आप अपने रीस्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर को, ये सभी पॉइंट्स आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाले हैं. इसमें सबसे पहले हम जो देखेंगे गाइस, कि अगर आप ऑलरेडी अपनी जॉब को स्विच कर चुके हैं एंड आप फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन योर प्रीवियस कंपनी, जिस कर सकते हैं कि जो भी आपके मैनेजर्स थे, प्रीवियस मैनेजर्स थे जिन्हें आप रिपोर्ट करते थे, आप उन्हें मेल लिख सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और एल्स आपके पास अगर एचआर के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप उन्हें मेल लिख सकते हैं दैट यू अगेन वांट टू रीस्टार्ट योर करियर. सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो आती है गाइज, ये सभी फ्रेशर्स के लिए एलिजिबल भी है. आप जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं, लाइक लिंक्डइन है, नौकरी है, उन सभी पर अपनी प्रोफाइल को अप टू डेट रखिए, अपडेट कीजिए. आपने जो भी करंट स्किल्स सीखे हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं, उन सभी को आप वहां पर हाईलाइट कीजिए एंड अपडेट कीजिए अपने रेज्यूमे को, सो दैट आपकी प्रोफाइल्स के थ्रू रिक्रूटर्स आपको सर्च कर सके. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज, बींग एन रिक्रूटर आई कैन टेल यू दिस थिंग, कि जब हम प्रोफाइल्स को सर्च करते हैं तो वी यूज टू सर्च प्रोफाइल्स जो करंटली अपडेट हुई हैं, जो रिसेंटली अपडेट हुई हैं. तो यू हैव टू अपडेट योर प्रोफाइल्स डे बाय डे, मीन्स आप कुछ कुछ दिनों में अपनी प्रोफाइल्स को अपडेट करते रहिए. जो स्किल्स आपने नई सीखी हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं, उन्हें आप अपडेट करते रहिए. बिकॉज जो प्रोफाइल्स अपडेट होती हैं, जिनमें रेलेवेंट कीवर्ड्स मेंशन किए जाते हैं, उन प्रोफाइल्स को रिक्रूटर पहले सर्च करते हैं. क्योंकि हम जो प्रोफाइल्स सर्च करते हैं गाइज, वो हम कीवर्ड्स के बेसिस पर करते हैं, रिसेंटली सर्च, रिसेंटली अपडेटेड प्रोफाइल्स को ही देखते हैं. बिकॉज काफी सारा पूल होता है नौकरी पर, लिंक्डइन पर काफी सारे रिज्यूमेस होते हैं गाइज, सबको देखना पॉसिबल नहीं है. तो कीवर्ड्स के थ्रू यहाँ पर सर्चिंग की जाती है. मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपसे शेयर किया है कि आपको अपने रिज्यूमे में, अपनी प्रोफाइल पर मैक्स टू मैक्स कीवर्ड्स यूज करने हैं.
तो आप अपने प्रोफाइल्स पर कीवर्ड्स यूज कीजिए, रेलेवेंट कीवर्ड्स। टेक्निकल प्रोफाइल्स देख रहे हैं, अगर आप बैकएंड की प्रोफाइल देख रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल्स देख रहे हैं, जिस भी तरह की प्रोफाइल आप देख रहे हैं उन प्रोफाइल्स पर, ओके, उन प्रोफाइल से रिलेटेड कीवर्ड्स आपको अपने प्रोफाइल में मेंशन करने होते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, रिसेंटली अपडेट करते हैं अपने प्रोफाइल्स को नौकरी पर, लिंक्डइन पर, तो वो पहले सर्च में आती हैं एंड रिक्रूटर्स उनको देखते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर रही हूँ, तो इसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है गाइज, आपको अपने नेटवर्क में सर्च करना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा इफेक्टिव वे होता है। जो भी आपका नेटवर्क है, ओके, आपके सोशल मीडिया प्रोफेशनल नेटवर्क जो है, लिंक्डइन है, आप होती है गाइज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, एमएनसी कंपनीज है, यहाँ पर रेफरल काम करता है, एक नेटवर्किंग काम करता है। आप उनसे रेफरल ले सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि हमें रेफर कर दीजिए, वो आपका रिज्यूमे कंपनी में रेफर कर देंगे एंड इससे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इंटरव्यू देने की। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है, आप रेफरल के थ्रू भी कंपनी में डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। ऑप्शन आपके पास होता है गाइस, वो बहुत इफेक्टिव है एंड काफी ट्रेंड में है अभी, वो है स्किल असेसमेंट टेस्ट। काफी सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स स्टार्ट हो गए हैं गाइस, जहां पर स्किल असेसमेंट टेस्ट लिया जाता है एंड इनका टाइप होता है सभी बेस्ट कंपनीज के साथ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के साथ, टॉप स्टार्टअप कंपनीज के साथ। बिकॉज वॉट हैपन ना, इन कंपनीज की बस इतना टाइम नहीं होता है टू शॉर्टलिस्ट ऑल द रिज्यूमेस, राइट। तो ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे टाई अप कर लेते हैं एंड वहां पर कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग हो जाती है। इससे इन कंपनीज का टाइम भी बचता है एंड जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो रियली स्किल्ड कैंडिडेट्स हैं, उनकी स्क्रीनिंग इन्हें मिल जाती है, वो इन्हें शॉर्टलिस्ट होकर मिल जाते हैं। तो डायरेक्ट इंटरव्यू आप यहाँ पर दे सकते हैं अगर आप स्किल असेसमेंट टेस्ट दे देते हैं इन किसी भी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। यहाँ पर आपके स्किल्स चेक कर ली जाती हैं, आप जिन भी प्रोफाइल्स में इंटरेस्टेड हैं उन प्रोफाइल्स के बेसिस पर आपको स्किल असेसमेंट टेस्ट देना होता है। इन टेस्ट पे जैसे स्कोर्स आपके आते हैं, जैसी प्रोफाइल आपकी वहां पर क्रिएट की जाती है, उसके बेसिस पर इन कंपनीज में आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देने का मौका मिल जाता है, जो आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है बिकॉज आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देने का मौका मिलता है विद गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड गुड स्टार्टअप कंपनीज एंड इन कंपनीज का टाइम बच जाता है टू स्क्रीन ऑल द कैंडिडेट्स, राइट। उन्हें शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स मिल जाते हैं, यहाँ से काफी सारी हायरिंग अभी हो रही है एंड काफी ट्रेंड में है। एंड यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि आप किस डिग्री को बिलोंग करते हैं, किस कॉलेज को बिलोंग करते हैं, टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री, किसी भी कॉलेज के आप हैं, आप इन स्किल असेसमेंट टेस्ट को दे सकते हैं। कितने भी परसेंटेज आपके हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर मीट नहीं करना होता है। बिकॉज वॉट हैपन एमएनसी कंपनीज में अगर आप ट्राई करते हैं गाइस, तो काफी सारे स्टूडेंट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करता, परसेंटेज क्राइटेरिया मीट नहीं करता है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। यहाँ आपको सिंपल एक स्किल असेसमेंट टेस्ट देना होता है, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उनके बेसिस पर ये कंपनीज डायरेक्टली आपको वहां से हायर कर लेती है। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देने का मौका मिलता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, जहाँ का पैकेज काफी अच्छा होता है, लाइक दे रेडी टू पे अप टू 30-40 lakhs पर एनम। आप अगर सर्च करेंगे गाइस तो गूगल पर, लिंक्डइन पर टॉप कंपनीज आपको मिल जाएंगी, टॉप स्टार्टअप कंपनीज मिल जाएंगी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मिल जाएंगी, जहां पर आपको 40 लाख तक का पैकेज मिल जाता है अगर आपके अच्छे स्किल्स हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है अगर आप देना चाहते हैं टेस्ट असेसमेंट, स्किल असेसमेंट टेस्ट आप दे सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आपके पास आता है गाइस कि आप लिस्ट बना लीजिए उन सभी कंपनीज की जिनमें आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जहां पर आप जॉब करना चाहते हैं एंड आप रेगुलरली वहां पर विजिट कीजिए। कंपनीज के पोर्टल पर जाइए, उनकी वेबसाइट पर जाइए एंड सर्च कीजिए उनके करियर पोर्टल पर कौन सी अपॉर्चुनिटीज आई हैं एंड रेगुलरली उनके लिए अप्लाई कीजिए। ये भी एक पॉसिबल वे है आपके लिए। जिस भी आपको रिक्रूटर्स मिल जाएंगे लिंक्डइन पर, लिंक्डइन पर काफी सारे प्रोफेशनल्स हैं, रिक्रूटर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, आप उनको अपनी प्रोफाइल्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप उनके ईमेल आईडी वहां से ले सकते हैं एंड उन्हें ईमेल कर सकते हैं। तो ये सभी पॉसिबल वेज हैं आपके लिए जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं अपने लिए। ओके, एक बहुत ही अच्छा स्किल असेसमेंट टेस्ट जो प्लेटफॉर्म है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं खुद भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। लेवल गाइस, ये काफी ट्रेंड में है अभी एंड 100% लेजिट प्लेटफॉर्म ये है। काफी सारे कैंडिडेट्स को यहाँ से अभी हायरिंग मिला है। दे हैव टाई अप विद 50+ कंपनीज एंड सभी टॉप स्टार्टअप कंपनीज है गाइस। तो अगर आप भी जॉब देख रहे हैं आप यहाँ पर ट्राई जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उनके प्लेटफॉर्म पर जाना है, रीलेवल के प्लेटफॉर्म पर। वहां पर आप जिस भी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है, यहाँ बिजनेस डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, सभी तरह की प्रोफाइल्स आपको मिल जाती हैं। जिन भी प्रोफाइल में आप जॉब सर्च कर रहे हैं उसके लिए आप स्किल असेसमेंट टेस्ट दे सकते हैं। इस स्किल असेसमेंट टेस्ट के थ्रू आपकी प्रोफाइल फॉरवर्ड कर दी जाएगी, आपके स्कोर्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे 50+ कंपनीज में, सभी टॉप स्टार्टअप कंपनीज हैं। अगर आप स्किल्स रखते हैं गाइस तो काफी अच्छा पैकेज वहां से आप ले सकते हैं, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर इनके प्लेटफॉर्म पर जाना होता है, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होता है एंड एक टेस्ट फीस आपको यहाँ पर पे करनी होती है जो कि होती है 1999 की। लेकिन अगर आप एक कोड इसमें यूज कर लेते हैं JBS10,
तो आपको यहाँ पर पे करना होता है सिर्फ 1799 रुपीज, मीन्स डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाता है एंड ये पूरा अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जॉब मिल जाती है। एंड जैसा कि इनका रिकॉर्ड रहा है गाइस, काफी सारा हायरिंग अभी हो रहा है इनके थ्रू, तो आई एम श्योर अगर आप में भी स्किल्स हैं तो आपका भी सिलेक्शन जरूर से हो जाएगा। 50+ कंपनीज में अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है इंटरव्यू देने की, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी है आपके लिए, आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। सभी तरह की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है एंड ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस तरह की रेगुलर अपडेट्स आपको मिल जाती हैं इस चैनल पर मेरे थ्रू। आई एम श्योर दिस वीडियो विल गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू अपडेट, थैंक यू।